students. Today we are going to start with your new chapter, that is staffing. We have already completed your chapter number 1, 2 and 3 and 4. I took a test. It was success. Few students, they had problem with last question, that the answer was not kept properly. Yes, I have assessed all the marks papers manually. How? I got the Excel sheet. Excel sheet leke, I tick mark karke, I have put the marks in my book. ठीक है, आपने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका आंसर जो है वो मुझे एक्सेल शीट में मिल गया है. तो मैंने उसे मैन्युअली, जैसे टीचर एसेस करती है उस तरह से मैंने एसेस कर लिया है. डोंट वरी अबाउट इट. हाँ, सर्टन स्टूडेंट्स हैड प्रॉब्लम कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर टिक किया था, सेकेंड का आंसर आया है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा. यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस व्हाइल यू पुट अ टिक मार्क. एमसीक्यू क्वेश्चन को जब आप टिक मार्क करते हो तो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस. अगर इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई है तो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू कीप द ओपन एंडेड क्वेश्चन. जो चैप्टर नंबर 5 है स्टाफिंग, इसके लिए मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन आज रखूंगी, तो इट विल बिकम इजी. कोई क्वेरी नहीं रहेगी कि मैंने ये लिखा था, वो लिखा था एंड ऑल दैट. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 5, स्टाफिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रॉम दिस चैप्टर 5 मार्क्स क्वेश्चन आर ऑल्सो आज, सो बी कॉशियस एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो we'll do the concept of staffing, meaning of staffing and characteristics of staffing. So let us start with your topic today. Okay students, let us start with your chapter number 5 today. Today we will start with your chapter number 5, that is staffing. We have already completed organizing, yes or no? So here in staffing, first of all let us discuss what is the blueprint. आपके चैप्टर के ब्लूप्रिंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. अप्रॉक्सीमेटली और टेंटेटिवली फ्रॉम दिस चैप्टर द क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड विल बी 1 एमसीक्यू विल बी आस्क्ड, देन 1 एमसीक्यू विल और 1 मार्क. अगर एमसीक्यू आएगा तो 1 मार्कर्स नहीं आएंगे, 1 मार्कर्स आएगा तो एमसीक्यू नहीं आएगा. देन 1-2 मार्क क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, एक 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा. देन 1-5 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. ठीक है, सो टोटल 1, 2 एंड 5 8 मार्क्स चैप्टर क्वेश्चन, 8 मार्क्स क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 में से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर, दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम विच यू विल बी आस्क्ड द 5 मार्कर्स. 5 मार्कर्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है इन दिस चैप्टर. एंड 1 क्वेश्चन विच इज आज इन दिस चैप्टर इट विल हैव और, 5 मार्कर्स का क्वेश्चन है उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन भी रहेगा. सो वील गेट 2 ऑप्शंस एज सच. ओके, लेट अस मूव फर्दर. इंट्रोडक्शन. तो व्हाट हैपेंड वाज दैट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्री स्टार्टेड टू प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में इंडस्ट्रीज ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू किया विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड मैन वॉज रिप्लेस्ड बाई मशीन इनिशियली. ठीक है, बट द 19th century के जो डायनामिक लीडर्स है दे अंडरस्टूड दैट मैन के नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स. मशीन्स के नॉट टेक प्लेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. Because machines don't work automatically, we require men to run the machine. मशीन को चलाने के लिए कौन चाहिए? मशीन. आपके पास कार है, यू हैव कार. ठीक है, बट यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव और यू डोंट हैव अ ड्राइवर, देन दिस कार इज ऑफ नो यूज. सो कार इज हैविंग यू कैन से यूजफुलनेस बिकॉज ऑफ अ यू कैन से ड्राइवर. ड्राइवर है उसकी वजह से कार की इंपॉर्टेंस है या फिर कार यूजफुल है. सो मशीन डज नॉट वर्क ऑटोमेटिकली, दस एम्प्लॉयज नीड्स टू ऑपरेट द एम्प्लॉयज नीड्स टू ऑपरेट द मशीन्स. दैट इज़ वाई वी नीड अ गुड ह्यूमन पावर. गुड ह्यूमन पावर कौन सा है? द वन हु इज़ हैविंग गुड यू कैन से एक्सपीरियंस, नॉलेज, एफिशिएंसी, पॉजिटिव एटीट्यूड, कैलिबर, etc. Fine, so that is important. So we need you can say employees which can be
So there is a need of scientific recruitment. Initially kya hota tha ki bhai the person is having aap apne family ki background ki wajah se you are recruited ki bhai manager ka beta hai and all that you are recruited, but now the you can say leaders or the managers wanted scientific recruitment of employees and selection of employees. This scientific recruitment, how it is done and how the person are recruited, selected or trained or transferred, everything we'll study in this chapter of staffing. Okay, this is the introductory part. Okay, agar hum staffing ka basic meaning dekhen, to it is not just recruitment. Staffing is not just recruitment. Staffing sirf recruitment nahi hai. It also includes selection. Recruitment ke baad kya hota hai? Selection, then you have training, then you can say promotion, demotion, etc. are included in planning. So planning is a process which starts from recruitment and it ends to retirement. It starts from recruitment. It starts from R. It starts from 1 hour and ends it's at second hour. Once first hour is your recruitment, second hour is your retirement. So from recruitment to retirement, whatever activity is done with your human resource is known as, you can say, staffing. Okay, let us move further. Characteristics of staffing. We'll move on to the characteristics of staffing. Characteristics mein sabse pehle hai. First is important functions of management. How it is important function of management? Planning and organizing level pe you think. But how to implement this thinking process? When we plan, we think that what we'll do. But implementation of plan, we need organizing and staff. We need a manpower who will do the work for you. So staff is a very important, or staffing is a very important function, but because it is the base for your planning, organizing, directing, controlling. Hum kisko direction denge? Employees ko? Yes or no? Hum kisko control karenge? Employees ko to control, to give direction or to plan, organize, or everything is included in your staffing. Yes or no? First is that is important. Second is perennial process. What is perennial process? Here it is. Perennial, which cannot exist without each other. Like for example, two sides of same coin, jab hum bolte hain. So their existence depends, one's existence depend on other. So the existence of organization, it depends on staff. Right now in our school, the building is new building is under construction. Hamare school mein bhi nayi building ban rahi hai. So this building is of no use without teachers. Aap building ke liye nahi aa rahe ho. Agar building mein jana hai to aap mall mein chale jaoge na. हम बिल्डिंग के लिए स्कूल में नहीं आते कि भाई अच्छी बिल्डिंग है तो हम लोग स्कूल में चले जाए, उसके लिए तो मॉल ही काफ़ी है. वी कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ द टीचर्स. सो द बेस फॉर अ गुड टीचर, सॉरी द बेस ऑफ अ गुड स्कूल इज अ टीचर. अगर स्कूल में टीचर अच्छी है तो स्कूल का बिल्डिंग अगर पुराना भी है, स्टिल द स्टूडेंट्स विल बी अट्रैक्टेड टू द स्कूल. स्कूल और अ कॉलेज. कॉलेज में अगर प्रोफेसर अच्छे हैं, इफ़ यू हैव अ गुड प्रोफेसर इन अ कॉलेज, तो बिल्डिंग भले पुरानी है बट आई वॉन्ट टू स्टडी इन द सेम कॉलेज बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी अंडर द प्रोफेसर. सो इट इज़ नॉट द बिल्डिंग विच मेक्स अ डिफरेंस, बट इट इज़ द वट वी से द स्टाफ. सो स्टाफ विदाउट स्टाफ द ऑर्गेनाइजेशन कैनॉट एग्जिस्ट. ठीक है. एंड विदाउट ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ कैन नॉट एग्जिस्ट. मैं ऐसा बोलती हूँ कि भाई अगर बिल्डिंग नहीं होगा, अगर नया बिल्डिंग नहीं बनेगा तो वेयर वुड द स्टाफ टीच. सो बोथ नीड टू बी टुगेदर. द ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग और एवरीथिंग गोज टुगेदर. ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी जब तक है तब तक एम्प्लॉयज रहेंगे. जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक एम्प्लॉयज़ है, और जब तक एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन विल रन स्मूथली. ओके, लेट अस मूव फर्दर. Next is your
dynamic process. Not a dynamic process, concerned with human relation. We have different M's, men, money, machine, etc. Out of this, men is the only one which is living, you can say, factor. And it is our responsibility while we are doing staffing, you are concerned with, developing your human relationship in an organization. Organization mein human relationship ko develop karna, that is the aim. Okay? They are the only living tool and you have to treat them with self-respect. Machine hai, agar kharab ho gayi, toh usko ek kick maroge, shayad shuru ho jayega. Scooter. Na, scooter ko kick maroge, toh shuru ho jayega. But human don't work like that way. If you will kick, he will never come back and we can say work for you. So the humans have emotions, the humans have a need of self-respect that you have to provide him. They need respect, they have emotions, etc. Wo bimar bhi padte hain, so you have to understand that it is concerned with human relationship, so you need to be humane while dealing with your HRM or human resource. Okay, next is, it is a dynamic process. Ab dynamic ka matlab third, concerned with human relationship ke baad mein, dynamic process hai, to dynamic matlab flexible. To maine jaise bataya tha, every function is flexible in nature. Planning, organizing, staffing, directing, jitne bhi functions hai, everything is flexible. Ab ye to bar bar padha ke bhi main thak gayi. Next is your, it is related with other managerial function. Means it is planning, organizing, directing, controlling, all this have relationship with the staffing. Uska sabka staffing ke saath mein relationship hai. Next, it is having wide scope. It is, as I told you, it starts from recruitment and ends at retirement. So it is not 1 month process, 2 month process, it is a lifelong process. Okay? So this is your wide, it is having wide scope. Next is your capital expenditure. Whatever you incur, there are two types of expenditure, revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure wo hote hain jiska benefit hame ek saal mein hi milta hai aur day to day activities ke liye karte hain. And capital expenditure which is done for a long period of time, like for example making of building. Jab hum building banate hain, that is capital expenditure. Aur jab hum we bring chalk in the school, जब हम स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. जब हम चौक लेके आ रहे हैं तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो ब्रिंगिंग चौक इन अ स्कूल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेकिंग अ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो वॉट एवर इज स्पेंड ऑन योर मैन पावर, इट इज शुड बी नॉट इट शुड नॉट बी कंसिडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट शुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव ट्रेनिंग टू माई एम्प्लॉयज, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती हूँ तो दैट विल गिव बेनिफिट टू मी फॉर नेक्स्ट 20 years, 25 years, टिल द एम्प्लॉय विल वर्क इन माई ऑर्गेनाइजेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ कॉम्प्यूटर्स इज अ नीड ऑफ अ डे. जस्ट बिफोर यस्टरडे वी हैड अ कॉम्प्यूटर ट्रेनिंग इन आवर स्कूल. आवर स्कूल टेक्स केयर ऑफ टीचर्स लाइक एनीथिंग, तो उन्होंने हमें कॉम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रोवाइड की टीचर्स को, एंड दैट हेल्प मी टू डेवलप. नाउ द बेनिफिट ऑफ दिस कॉम्प्यूटर ट्रेनिंग आई विल गिव टिल आई विल रिटायर. जब तक मैं रिटायर नहीं होंगी, आई विल गिव बेनिफिट ऑफ दिस कॉम्प्यूटर ट्रेनिंग. सो वॉट एवर यू स्पेंड ऑन योर एम्प्लॉयज, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ नॉट अ रेवेन्यू. वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, so this is all about your characteristics of staffing. We'll go to the importance in the next class. We'll stop here. So I want all of you to write down what is staffing. Your homework will be, what is staffing, or give the concept of staffing and explain the characteristics of staffing. Okay, this is all about your topic today, students. I want all of you to stay home, stay safe, and prepare for your test. Goodbye for now, students.